हेलो एंड वेलकम टू बटनेरा आईएएस। बटनेरा आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपके लिए लेके आए हैं उगर्स। उगर्स जो है वो चाइना के जिनजियांग रीजन में रहते हैं। ये एक टर्किक एथनिक ग्रुप है जो कि वहाँ पे जो जिनजियांग रीजन है वहाँ से बिलोंग करता है। इनके बारे में जो है वो न्यूज़ आए दिन आती रहती है। 6 महीने में कभी ना कभी न्यूज़ आती रहती है क्योंकि चाइना के ऊपर जो है वो यूएन ने रिसेंटली सेंक्शन लगाए हैं कि चाइना को जो है वो यू ह्यूमैनिटी का ये कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का दिखावा कर रहे हैं, इसे रोके। ये जो है वो ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं जिनजियांग रीजन में। तो कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो गए थे जिनके चलते चाइना को अब डर है कि यूएन जो रिपोर्ट अगर पब्लिश कर दी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है जिनजियांग रीजन में, तो ये चाइना के अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो चाइना को पहले भी काफी बार इन्होंने वॉर्न किया है। तो रिसेंटली क्या न्यूज आई है हमारे पास, रिसेंटली हमारे पास ये न्यूज आई है कि यूएन जो है यूनाइटेड नेशन ने चाइना को बोला है कि आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हो जो कि गलत है, और हम जो है वो आपके अगेंस्ट एक रिपोर्ट लेके आए हैं जिसे हम जो है वो छाप देंगे, पब्लिश कर देंगे। सीरियस ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है वो जिंजिया रीजन में हो रहा है। किन के अगेंस्ट हो रहा है? यूगर्स के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस पे चाइना का क्या स्टैंड है? चाइना ने कहा है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने यूएन को अर्ज किया है कि ऐसी चीजें ना छापे। ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्री जो है उनके स्वांग है, ये और कुछ नहीं है। आप हमें बदनाम करना चाहते हो, ये चाइना का स्टैंड है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, देखो बीबीसी ने भी पहले रिपोर्ट निकाली थी, जो भी रिपोर्टर वहां से जिंदा वापस आ जाते हैं या कहीं ना कहीं से लीक हो जाती हैं चीजें, तो आप देखोगे कि जो एरिया है जिनजियांग रीजन में जहाँ पे उइगर मुस्लिम के कैंप्स लगाए जाते हैं, और उन कैंप्स के अंदर जो है वो आप इंटरनेट भी जैम होता है, कई किसी को बाहर से आने की इजाजत नहीं होती है, फिर भी यूएन बीबीसी ऐसे चैनलों ने जो है वो अपनी जान का जोखिम डाल के जो है वो इनके अंडर गए और वहां से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए और रियलिटी रियलिटी लेके आए हैं बाहर कि वहां पे इन मुस्लिमों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। लेकिन चाइना का इस पे क्या स्टैंड है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, ये सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। डन। तो अब हम जानते हैं कि उइगर्स कौन है और उइगर जो है वो चाइनीज हैं या नहीं है। ठीक है, तो यूगर जो है वो टर्किक एथनिक ग्रुप है जो कि मुस्लिम है। इन्होंने जो है वो टर्किक ग्रुप था, बाद में इन्होंने इस्लाम जो है वो धर्म अपनाया था। तो ये बेसिकली टर्किक लैंग्वेज बोलते हैं, चाइनीज नहीं बोलते हैं, और ये क्या है, टर्किक एथनिक ग्रुप है। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रुप जो है वो जिनजियांग रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो यूगर जो है वो एथनिक कम्युनिटी है जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना की। जिनजियांग क्या है हमारे पास? जिनजियांग एक ऑटोनॉमस स्टेट है हमारे पास चाइना की। ऑटोनॉमस स्टेट ऐसी कि उसमें चाइना उनके आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एरिया जो था बेसिकली टर्किक एथनिक ग्रुप और माइनॉरिटी है ये, यहाँ पे ये टर्किक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि माइनॉरिटी जो है वो रहती है मुस्लिम, जिनके अगेंस्ट चाइना जो है वो कोई ना कोई आप बोल सकते हो कि क्राइम करता रहता है, कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता है। ठीक है, यही चीज जो है वो बार बार न्यूज में आती है। आप देखो यूगर्स जो है वो अपनी लैंग्वेज है इनकी, अपना इनका कल्चर है। चाइनीज बोलते हैं कि ये इनका कल्चर अलग है, ये चाइनीज नहीं है, तो ये यहाँ के जो है वो इंडिजीनियस नहीं है, यहाँ के निवासी नहीं है, ये एक रीजनल रीजनल मतलब उस जगह की एक माइनॉरिटी है जो कि पता नहीं कहाँ से आई है और हमें इनके बारे में कुछ नहीं है। तो चाइना ने क्या किया, हंस करके इनके एक आप बोल सकते हो कि अलग माइनॉरिटी जो हंस करके इनकी थी उनको यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, हंस जो थे इनके खुद के जो थे लोग उनको इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जिनजियांग रीजन में। और जब हंस जिनजियांग रीजन में आए तो यूगर्स के अगेन जो है वो बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यूगर्स और हंस का हमेशा यहाँ पे दिक्कत रहती है। और ऐसे भी अगर आप देखो तो चाइना हंस को ज्यादा प्रिविलेज देता है और यूगर्स को तो वो कुछ मानता ही नहीं है। यहाँ पे 47 एथनिक ग्रुप और रहते हैं जिनमें से मेन जो है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। यूगर्स जो है वो काफी ज्यादा है यहाँ पे, हंस है, कजाक है, ह्यूई है, मंगोलियन है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे और भी बहुत सारे
आप बोल सकते हो मेन मेन मैंने यहाँ लिख दी है आपके पास, बाकी भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप है। जिनजियांग रीजन मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये वेस्टर्न साइड में है हमारे पास चाइना की, ठीक है, ये वाला रीजन जो है दैट इज, ये जो रीजन है हमारे पास दैट इज जिनजियांग रीजन, ठीक है। तो ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनके चलते चाइना इस रीजन को नहीं खोना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है साथ में आप देखो जिनजियांग रीजन जो है वो इस तरफ किर्गिस्तान है हमारे पास, ऊपर कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान है, और कश्मीर के साथ भी ये टच करता है हमारे पास। तो ये चाइना के लिए हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसीलिए चाइना यहाँ इंटरफेयर करता रहता है। तो पीछे बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि चाइना ने कैंप लगाए हैं जिनके अंडर यूगर्स को वो एजुकेशन देते हैं कि चाइनीज बनो आप, ठीक है, और बोला जाता है कि उनको इनको टेररिस्ट माना जाता है और इनका जीनोसाइड भी किया जाता है, ठीक है, बीबीसी की न्यूज में ये सारी चीजें दी हुई थी। लेकिन चाइना इस आरोप से जो है वो बिल्कुल, आप बोल सकते हो कि मना करता है कि ये एक एजुकेशनल कैंप है, हम एजुकेशन देते हैं यूगर्स को, और अगर एजुकेशन देते हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं, हंस को बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है जबकि यूगर्स को जो है वो रिक्रूट भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स जो है हमारे पास, यूएन ह्यूमन राइट्स, उसने भी चाइना को क्वेश्चन पूछा था कि आप जो हो वो इनको राइट्स क्यों नहीं देते इक्वल टू हंस, क्योंकि हंस को ये अपना मानते हैं और यूगर्स को क्या बोलते हैं कि चाइनीज नहीं है, ठीक है। जिनजियांग रीजन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस को टच करता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए नहीं, चाइना के लिए। आगे आपके पास ये है कि उधर मुस्लिम के बारे में जो भी चीजें बोली गई हैं, चाइनीज गवर्नमेंट उनको क्या बोलती है, झूठ, ये बोलती है कि उधर जो है वो टेररिज्म फैलाते हैं। हंस और यूगर के बीच में कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट होते रहते हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स वगैरह होती हैं। तो इनका ये मानना है कि यूगर जो है वो मुस्लिम है और मुस्लिम जो है वो टेररिज्म जो है वो फैला रहे हैं हमारे एरिया में, ये इनका बोलना है, ठीक है। लेकिन यहीं पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा ये आप बोल सकते हो सेंक्शन लगा दिए हैं जिनजियांग रीजन में, जो यूगर्स हैं और बाकी जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं उन पे बहुत ज्यादा ये क्या लगा रहे हैं, सेंक्शन लगा रहे हैं। इवन महिलाओं को जो है वो स्टरलाइज किया जाता है और बच्चों को भी जो है वो चाइनीज एजुकेशन देने की बात की जाती है। तो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि घटिया कंडीशन में इन्होंने इनको रखा है, लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता है। अगर हम देखें तो उसने यही बोला है कि ये एजुकेशन सेंटर है, ठीक है, ये सारी चीजें चाइना बोलता है। अब इस पे भारत का क्या आप बोल सकते हो स्टैंड है? तो भारत ने अभी तक इन पे कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, स्टिल है, उसने इस पे कुछ नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्रीज जो है उन्होंने चाइना को सीधा सीधा बोला है कि आप ह्यूमन राइट्स को खत्म मत करो, ह्यूमन राइट्स के ध्यान में रखो कि इनके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, तो इनका वॉयलेशन आप जो है वो मत करो। तो यूगर्स कम्युनिटी न्यूज में रहती है, आपको जिनजियांग रीजन न्यूज में है, उसके सराउंडिंग एरिया आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किर्गिस्तान, तजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान क्या इसके साथ टच करता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार आप इसको आप मैप को जूम करके देखिए कि कौन कौन सा एरिया जिनजियांग रीजन के साथ जो है वो लगता है, कौन सी कंट्री लगती है। इसके अलावा यूगर्स के बारे में क्वेश्चन यही है कि ये टर्किक एथनिक ग्रुप था, ठीक है, बेसिकली ये मंगोलिया से आए थे यहाँ पे, और ये बाकी कंट्रीज में भी रहते हैं, कजाकिस्तान में भी इनकी पॉपुलेशन है, रशिया में भी है, मंगोलिया में भी है, तो बाकी जगहों पे इनकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पूरी तरह से आप इसे देखिए, और ये न्यूज में इसीलिए रहता है कि चाइना पे जो एलिगेशन लगते हैं वो उनका विरोध करता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई होप कि आपको पता चल गया है सारा यूगर्स के बारे में, इनके बारे में फुल आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।